इसके बाद में ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो यहाँ पे 3 into k क्या हो जाएगा, 3k, और 8 into 8 कितना होगा, 64. यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है. और प्लस 5 को स्टूडेंट्स क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे प्लस 5 को हम लोग प्लस 5 को क्या लिखेंगे, प्लस 5 को माइनस 5 लिखोगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5. उसके बाद में इसके लिए कैसे, k को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 into k क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5k. के बाद में ये 0 into 8 क्या होगा, 0 हो जाएगा. और लास्ट टर्म तो 0 है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 = 0. 3 into 3 क्या हो जाएगा, 9k. 3 into 64 कितना हो जाएगा, ये सॉरी 9k माइनस 3 into 64, 4 into 3 = 192. और ये कितना हो जाएगा, -25k = 0. तो अगर 9 में से 25 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -16k. तो -16k = 192. ये माइनस में था, ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर. तो k का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 192 अपॉन -16. तो ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 × 1 = 16, 33, 32 आ जाएगा, 16 × 2 = 32. तो -12 आ जाएगा. इसमें 3 सब क्वेश्चन है, मतलब इसमें और 2 को पार्ट है, वो 2 पार्ट में से कोई एक और करा देता हूँ, बाकी एक आप लोग कर लीजिएगा. सॉरी, ये एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ना सिर्फ एक्यूट एंगल और फिर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन और फिर वो रिप्रेजेंट करना चाहिए पेयर ऑफ लाइंस के लिए, वो इतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट वन है यहाँ पे सेकेंड सम उसी का, kx y प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 = 0. यहाँ पे सिर्फ ऐसा इक्वेशन गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो जो है नहीं उसके रिप्लेस पे क्या कंसिडर करोगे, 0 कंसिडर करोगे. सो पहले हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, ए के प्लेस पे ए किसके साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ए कौन हो जाएगा, 0. फिर 2h के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 10. तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5. ए के लिए सॉरी 10 मैं लिख दिया गलती से, 2h का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे k के इक्वल है, और h का वैल्यू फिर हो जाएगा k/2. x स्क्वायर मिसिंग है तो वो 0. 2h के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे k है, तो 2h = k. सिर्फ h का वैल्यू क्या हो जाएगा, k/2. और फिर b का वैल्यू, यहाँ पे y स्क्वायर भी नहीं है स्टूडेंट्स, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0. a b h हमने निकाल लिया. अब फिर 2g का वैल्यू, 2g का वैल्यू 10 के इक्वल है, यहाँ पे 10 है ना, और फिर g का वैल्यू कितना हो जाएगा, +5. 2f का वैल्यू 6 के इक्वल है, तो f का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 3. और फिर c का वैल्यू जो है हमारा वो 4 के इक्वल है. अब डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले से क्या गिवन है, वो इक्वल मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को, तो वो स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, सिंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0. अच्छा, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे कौन है, यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट, ए के प्लेस पे 0 है. फिर एच के प्लेस पे क्या है, k/2 है. जी के प्लेस पे +5 है, और फिर यहाँ पे k/2. बी के प्लेस पे 0 है, और फिर इसके बाद में एफ के प्लेस पे +3 है. तो ये क्या हो जाएगा, 5, 3 और 4. ये सब लिखने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, तो ये फर्स्ट वाला तो 0 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. ये +k/2 है, तो इसको क्या लिखोगे, -k/2. अब 4 को k/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4k/2 हो जाएगा, और 5 into 3 कितना होगा, 15.
तो माइनस ऑफ 15, लास्ट वन है प्लस 5, 3 इंटू के क्या हो जाएगा, 3k अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि हमारा ये जो टर्म्स है ना, ये 2 के टेबल में जा जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब k को k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है ये 2 है, तो दोनों कैंसिल होकर सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 k हो जाएगा। और यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15k अपॉन क्या होगा, 2 इक्वल्स टू 0। सो इसका जो बेस है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2k स्क्वायर प्लस 30k प्लस 15k इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका बेस अगर 2 है वो साइड जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। बट ये k स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, उसको ये साइड शिफ्ट कर देते तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2k स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। ये प्लस 30 है और ये कितना है यहाँ पे, 15 है, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी माइनस में 45k हो जाएगा, क्योंकि ऐसा था ना ये माइनस में था, तो जब ये माइनस में ये साइड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। और फिर ये बाकी दोनों टर्म्स किस में थे, प्लस में, तो ये साइड आ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, दोनों में अगर आप लोग देखो तो के कॉमन है, तो के बाहर निकाल लिया, तो ये क्या होगा, 2k माइनस 45 स्प्लिट कर दो, ये जो प्राची ये जो 2 था ना, इसको हमने सबको साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को जब k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2k स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू 15 क्या होगा, 30k, और इसके डिनोमिनेटर में तो पहले से 2 था, तो वो ओवरऑल सबके में आ गया ना, इसको 2 से थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज ये यहाँ पे पहले से ही डिवाइड में था। फर्स्ट स्टेप में सेकंड टर्म में 15k by 2 आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में माइनस के बाई 2 इंटू माइनस 15 है ना। अच्छा हाँ बराबर 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 करेक्ट है, थैंक यू। तो ये 15, तो ये कैसा हो जाएगा ना, एक मिनट, हाँ करेक्ट है, ये माइनस ऑफ के स्क्वायर है, माइनस के स्क्वायर। अब इन दोनों का बेस जो है वो कॉमन है, 2 है, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30k, और 30k अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 30k अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 15 टाइम, तो माइनस के स्क्वायर है वो साइड जाएगा तो प्लस के स्क्वायर, और प्लस 15k है वो साइड गया तो माइनस 15k इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या है, k है, सॉरी दोनों में कॉमन क्या है, k है, तो k कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 15। हाँ थैंक यू, हाँ ये सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो सम्स है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है पेपर में, एक मिनट हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समय हमारा यहाँ पे 7th खेल रहे हैं, फाइंड करना है पी एंड क्यू, फाइंड क्या करना है, पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस।
सो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से रीड करो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन क्या दिया गया है ना, एक मिनट, फाइंड क्या करना है, पी एंड क्यू. इफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. तो अगर आप लोगों को याद होगा, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a प्लस b इक्वल्स टू जीरो होता है. क्या होता है, a प्लस b इक्वल्स टू जीरो. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, p का वैल्यू और q का वैल्यू कैलकुलेट करना है. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस पेयर ऑफ लाइंस भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना. ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है. क्या है, परपेंडिकुलर भी है. सो हम पहले इसको कंपेयर कर रहे हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से. जो गिवन इक्वेशन है हमारा यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस q इक्वल्स टू जीरो. सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो a के प्लेस पे कौन है, p है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, a इक्वल्स टू p, 2h इज इक्वल्स टू माइनस एट, b इक्वल्स टू 3, 2g इक्वल्स टू 14. तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7. 2f का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा, तो f इक्वल्स टू 1. और फिर इसके बाद में सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू. एक बार देख लीजिए, ये सब हमने काफी टाइम मतलब सब सम्स में ये कॉमन है. ए एच, एच का वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा. ठीक है, एच का वैल्यू माइनस 4, बी का वैल्यू हो गया जी, सबका वैल्यू निकाल लिया सेपरेट. तो परपेंडिकुलर लाइन्स दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स क्या कंडीशन था, जो a प्लस बी था वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा. तो a की जगह पे कौन है, p है, और b की जगह पे कौन है, 3 है. तो p प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो. देयरफॉर जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3. p के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस 3. अच्छा, पेयर ऑफ लाइंस भी रिप्रेजेंट कर रहा था. तो अगर आप लोग आप देखोगे तो सबका वैल्यू हमें पता है, सिर्फ किसका नहीं पता है, क्यू का. तो जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल. यहाँ पे ए एच जी एच ई एफ जी एफ सी, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं पी का वैल्यू कितना है, माइनस 3 है. और पी मतलब कौन है, ए है. हाँ, ए का वैल्यू कितना है, पी है. और पी का वैल्यू कितना है, माइनस 3 है. एक मिनट, तो यहां पे a के लिए a का जो वैल्यू है वो माइनस 3 है. a के लिए क्या है, माइनस 3 है. और फिर h का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहां पे, सॉरी, a के लिए माइनस 3 है. और फिर इसके बाद में h के लिए क्या है, यहाँ पे माइनस 4 है. h के लिए माइनस 4. फिर g के लिए 7 है. मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, ये माइनस 4, b के लिए 3, f का वैल्यू जो है वो 1 है. फिर ये 1, सॉरी 7, और ये हमारा, आप लोग देखोगे इसमें सबका सब हमने फाइंड कर लिया है, सिर्फ किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्यू का. सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3 आप लोग वैसे ही लिखोगे. फिर 3q क्या हो जाएगा, 3q, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1. तो यहाँ पे माइनस 1, माइनस 4 है, तो उसको क्या लिखोगे, प्लस 4. और माइनस 4 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4q. और 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7. लास्ट में प्लस 7 है, तो प्लस 7. 1 इंटू माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4. और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21. ब्रैकेट ओपन कर दो. तो ये माइनस और
माइनस इंटू प्लस कितना होगा माइनस, तो ये माइनस ऑफ 9q प्लस 3 और इंटू माइनस 4 कितना होगा 16q और ये माइनस ऑफ 28, यहाँ पे कितना माइनस 4 है और ये माइनस 21 है तो माइनस 25 हो जाएगा, तो प्लस 7 इंटू क्या लिखते हैं माइनस ऑफ 25 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये 16 है और ये माइनस 9 है तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो माइनस ऑफ 25 क्यू हो जाएगा। अच्छा प्लस 3 है और माइनस 25 है तो माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 7 इंटू 25 कितना होता है 175, तो माइनस कितना हो जाएगा 175 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये यहाँ पे माइनस 25 क्यू है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो देयरफॉर ये माइनस में है, एक काम करो 25 को वहीं पे रखो और ये माइनस से ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू जो होगा वो माइनस कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्यू का वैल्यू हमारा माइनस 8 है और पी का वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पे माइनस 3 है। सेम ऐसे ही टाइप का एग्जाम है, कल ये चैप्टर स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 5 sums और पेंडिंग रहेंगे फिर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में ये दिया है फाइंड पी एंड क्यू, फाइंड कर क्या करना है पी एंड क्यू, को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे ना दीपक तो वो कितना आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, 200 को प्लस 8 नहीं आएगा क्योंकि ये 25 के साथ माइनस है ना, तो प्लस माइनस 25 है, माइनस में ही आएगा, यहां पे भी माइनस है ना 25 के साथ। ठीक है, फाइंड करना है पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन 2x² प्लस 8xy प्लस py² प्लस qx प्लस 2y माइनस ऑफ 15 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या था, इक्वल्स टू AB था फॉर पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैरेलल लाइंस के लिए एच स्क्वायर इक्वल था किसके AB के, तो पहले आप लोग करोगे यहाँ पे A का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 2H का वैल्यू कैलकुलेट करोगे और फिर B का वैल्यू मिल जाएगा, फिर 2G, 2F और C का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A का वैल्यू 2 है, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग के सम्स किए थे वैसे इसको भी आप लोगों को करना होगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है। A के लिए 2, फिर 2H के लिए 8 हो जाएगा, फिर B के लिए P हो जाएगा, H का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, A के लिए 2, H का वैल्यू 4, B का वैल्यू P, 2G का वैल्यू जो है हमारा वो किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है, तो G का वैल्यू जो है वो क्या होगा Q अपॉन 2 आ जाएगा, 2F का वैल्यू 2 है तो F इज इक्वल्स टू प्लस 1 और फिर लास्ट में C का वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ 15 होगा। एक मिनट, प्लस 2 एक पे प्लस 2, 2H के लिए 8, B के लिए जो है हमारा वो P आ जाएगा, B के लिए P आ जाएगा और फिर इसके बाद में 2G के लिए Q आ जाएगा और G का वैल्यू Q अपॉन 2 है, F का वैल्यू 1 और C का वैल्यू माइनस ऑफ 15 है। सो यहाँ पे पैरेलल लाइंस बोला गया था, फॉर पैरेलल लाइंस क्या कंडीशन है, H स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB के, तो H का वैल्यू जो है हमारा वो कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू B, A के लिए क्या है प्लस 2 है और B के लिए P है, तो 2 इंटू P क्या हो जाएगा 2P, तो 16 इक्वल्स टू P,
देयरफॉर पी का वैल्यू जो है स्टूडेंट्स हमारा प्लस 8 आ जाएगा। और फिर वैसे ही जब रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। सो उससे आप लोग क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे कम्प्लीट, मतलब आज का सेशन यहाँ पे कम्प्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कम्प्लीट कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट्स तो पूछ लेना, ठीक है जी सर। फिर एंड करते हैं आज का सेशन। ऑलराइट सर, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ।